नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। भैया, कल बिग बॉस मराठी के एपिसोड में वो हो ही गया जिसका हमें कई दिनों से आभास हो रहा था। हमें आभास हो रहा था कि शिव वीना के लिए इमोशनल फूल बन चुका है, और कल रात के एपिसोड में इस बात पर ऑफिशियली एक ठप्पा भी लग गया कि वीना के प्रति शिव कुछ ज्यादा ही समर्पित है। इतना समर्पित है कि हमेशा खुद को टास्क में एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला शिव, जिसने कि दो एक वीक पहले वैशाली, केलकर, मैडी सबके सामने भी बोला था कि जब टास्क आएगी तब मैं सिर्फ टास्क पे फोकस करूंगा, दोस्ती, रिश्तेदारी, यारी, मोहब्बत, ये सब टास्क के परे है। लेकिन कल वही शिव वीना की संगत में अपने ही स्टेटमेंट से पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया और जबरदस्त यू टर्न लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनल फूल साबित कर दिया शिव ठाकरे ने। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो घर में बहुत ही एरोगेंट, जिद्दी और यू नो एकदम घमंड में डूबी रहने वाली शिवानी ने इस टास्क में बहुत ब्रिलियंट तरीके से परफॉर्म किया, और जो जो मतलब एक खूनी के नाते उसे करने के लिए कहा गया उसने पूरी शिद्दत के साथ टास्क में खुद को समर्पित किया और दो खून कर भी दिए वैशाली एंड जो शिव का। शिव ऑल दो खूनी था, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस शिव से नाराज हो गए थे तो उन्होंने शिव का गेम खलास करवा दिया। बात करते हैं इस एपिसोड की, तो इस एपिसोड की स्टार्ट हुई थी वो मैडी और हीना का छोटी छोटी यू नो बर्तन, चाय के बर्तन ढंग से नहीं धुले, क्या चिंदी पिंदी इश्यूज के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। और मैडी तो पिछले दो तीन दिनों से बहुत ही टू मच कर रहा है। कल भी आपने देखा होगा एक दिन पहले के एपिसोड में जब केलकर को ये लोग जब घर के अंदर वो डॉक्टर जब आया था किडनैप करके ले गए केलकर को, सारी फीमेल्स बहुत चिल्ला रही थी और मैडी कैसे बात कर रहा था, शुप, 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 तुम लोग अपनी एक्टिंग यहां मत दिखाओ, एक्टिंग मत करो, हमको अंदर की बात सुननी, तुम बाहर मत चिल्लाओ। तो मैडी कहीं ना कहीं बहुत ही पता नहीं क्या कर रहा है। आई थिंक उसको जिस तरह शिवानी ने बोला कि तू बोल, तो पता नहीं क्यों बहुत अलग टाइप से बोल रहा है मैडी से। एक और बात मेरे को याद आई, आई थिंक एक रात पहले के एपिसोड में हमें पता चला था जब किशोरी जी ने अपने मुंह से एक बात ओपन करी थी जो कि हमें एपिसोड में देखने को नहीं मिली, कि वो जो कीचड़ वाला जो टास्क था वहां पर मैडी ने कीचड़ के अंदर सूसू कर दिया। ओह माय गॉड, टास्क में बंदा इसके अंदर घुस गया और इस बात के ऊपर कोई इश्यू वगैरह हमें देखने को मिला नहीं, और उसी सूसू वाले कीचड़ को किशोर जी अपने हाथ से उठा उठा कर रही थी। सो भैया, यहाँ दो तरह से बात को हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि मैडी ने टास्क में खुद को इतना समर्पित कर दिया कि कीचड़ में सूसू भी कर दिया। वही अगर हम इस चीज को दूसरे नजरिए से देखें तो भाई बड़ा ही बचकाना और घटिया पंक्ति थी कि आपने सूसू भी कर दी और किशोरी जी और बाकी सब भी टास्क में ऐसे घुस गए कि उसके सूसू वाले कीचड़ में हाथ नहीं मारा। ओ माय गॉड, बिग बॉस पता नहीं क्या क्या करवाता रहता है घर वालों से, और घर वाले कर भी देते हैं। खैर, यहाँ पर शिवानी को एक काम करना था कि उसे हीना को रुलाना था किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद, और हीना भी कहीं ना कहीं कमर कस के बैठ चुकी थी कि कितना भी कर ले मैं रोने वाली नहीं हूं। शिवानी अगर यहाँ पर अपने नेचुरल तरीके से जिस तरह वो बिहेव करती घर में उस तरीके से बात करती तो शायद यहाँ पर वो रो भी सकती थी हीना, लेकिन शिवानी ने जिस कदर एक फैमिली ड्रामा क्रिएट किया, बिल्टअप देने की कोशिश की, खुद बहुत इमोशनल हो गई, लेकिन हीना को वो नहीं रुला पाई। वहीं शिव को एक टास्क दिया गया था जहां पर कि उसको वीना का जो टॉप है वो डिस्ट्रॉय करना था। अब ये सिर्फ एक टॉप था जिसको कि यू नो कोई लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज तो वो थी नहीं, ना ही कोई वीना के लिए स्पेशली घर वालों ने गिफ्ट में सजाकर भेजी थी, ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसके बगैर शायद वीना रह नहीं पाती। ऐसे टॉप तो बहुत सारे होंगे वीना के पास, लेकिन शिव वहां पर पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही इमोशन में आ गया और वो भूल गया कि उसे टास्क करनी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है कि वो शिव है जिसने एक रात पहले किशोरी जी की फैमिली फोटो को स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। ये वही शिव है जो अक्सर कहता रहता है कि टास्क के टाइम पर मैं सिर्फ टास्क करूंगा, टास्क के बियॉन्ड दोस्ती, यारी, वफादारी, लॉयल्टी, ये सब मैं देखूंगा, जब व्हेन आई एम डूइंग टास्क आई डू माय टास्क। तो इतना प्रैक्टिकल और इतना यू नो क्लीन माइंड वाला इंसान शिव पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज हो गया और उसने सिरे से नकार दिया कि मैं लॉयल्टी उसकी खोना नहीं चाहता, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। अरे यार, व्हाट द कुलावेरी इज दैट? आप अगर उसका टॉप काट दोगे और उससे विश्वास टूट जाएगा, मतलब आपका आपसी रिश्ता क्या एक टॉप के ऊपर डिपेंड करता है? ये सोचने वाली बात है शिव के लिए भी और वीना के लिए भी कि आपका आपसी अंडरस्टैंडिंग और रिश्ता क्या सिर्फ एक टॉप तक ही सीमित है? यार, अब फिर ले देकर वही बात आ जाएगी कि शिव कहीं ना कहीं दुनिया के सामने खुद को बहुत बड़ा दिलदार दिखाना चाहता है कि वो इतना प्यार करता है
कि वो वीना के लिए, वीना की छोटी से छोटी चीज को भी बहुत प्यार से संभाल के रखना चाहता है, शिव ये मैसेज देना चाहता है। अब शिव के इस बिहेवियर के ऊपर शिवानी को तो शक हो ही गया, कहीं ना कहीं मैडी को भी थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो गया, वीना को तो एक रात पहले से शक हो ही चुका था शिव के ऊपर। तो शिव यहाँ पता नहीं क्यों खुद को बहुत ज्यादा इमोशनल फूल दिखा रहा था। और आई थिंक महेश मांजरेकर भी इस मुद्दे के ऊपर डेफिनेटली शिव से सवाल करेंगे, शिव आप बहुत ब्रिलियंट खेलने वाले इंसान थे, सडनली आपको ये क्या हो गया, आपको वीकेंड पर ही आपको फीडबैक मिला था कि वीना के चक्कर में तुम्हारा खेल बहुत नीचे जा रहा है और आज उस वीना के चक्कर में आपने अपनी टास्क का ही कबाड़ा कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। और अगर आपके मन में ये था कि मैं ये वीना का टॉप बचा लूंगा, तो वीना का टॉप तो वैसे भी डिस्ट्रॉय करवा ही दिया शिवानी के थ्रू, और आप खूनी थे, आपका नुकसान आपने खुद करके कहीं ना कहीं नेहा का फायदा कर दिया, क्योंकि नेहा टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, ऑल्दो बहुत वियर्ड और वाइल्ड जाती थी, बट आई थिंक ये टास्क दिमाग से चलने वाला है। तो आपने अपना नुकसान करके खूनी का जो टैग है वो आप नेहा को बिग बॉस खूनी बनाएंगे, और नेहा देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कैसे वो टास्क करती। तो कहीं ना कहीं शिव ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। वहीं शिवानी ने एक खूनी के रूप में वैशाली का सांकेतिक रूप से जो बहुत इजी तरीके से उसने मर्डर किया, और उसके बाद जो वीना का जो टॉप था जो कि शिव डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, शिवानी ने बहुत ही इजी तरीके से आई और डिस्ट्रॉय करके खेल खलास कर दिया शिव का भी। तो कहीं ना कहीं इस टास्क में शिवानी ने दिखाया कि हाँ भाई, अगर वो शिद्दत के साथ खेले तो बहुत इजी तरीके से वो टास्क कर सकती है। ऑल्दो वो हीना को रुला नहीं पाई, लेकिन यहाँ पर हीना जो बात बात पर रो पड़ती थी, हमने देखा मंडे ट्यूजडे एपिसोड में वो बहुत रो रही थी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं रोई, यहाँ कहीं ना कहीं खुद ने बहुत स्ट्रॉन्ग साबित किया खुद को। तो क्या हीना मंडे ट्यूजडे एपिसोड में जानबूझ के रोई थी, सिंपति सीख करने के लिए रोई थी, क्या रीजन था हमें नहीं पता, क्योंकि इसका और माधव का ये जो 36 का आंकड़ा है वो किस वजह से हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है। वहीं मैडी पल पल में यूं इतना जबरदस्त गुस्सा करता है, पल एकदम यू नो एकदम जैसे कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाले तेवर में वो हीना पर चढ़ पड़ता है। तो ऐसा क्यों कर रहा है मैडी, इसके ऊपर भी सवाल तो डेफिनेटली उठाए जाने चाहिए वीकेंड चांदाव। सो ओवरऑल इस एपिसोड में अगर मैं देखूं तो इस एपिसोड में कहीं कुछ खास हुआ नहीं, बस शिवानी को उसे रुलाना था, इसमें 15-20 मिनट वो कोशिश करती रही, यहाँ शिव को वीना का जो टॉप डिस्ट्रॉय करना था इसमें उसने 10-15 मिनट ले लिए, बहुत सोचा, बहुत छुप छुपा के लाया, मैडी ने शिवानी ने देख भी लिया, शिवानी को तो पता भी चल गया कि शिव खूनी है, लेकिन शिव के हाथ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसने उस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। खैर इस एपिसोड में शिवानी में काफी अच्छी लगी, अच्छी हमें यहाँ किशोरी जी भी लगी, क्योंकि जिस एज में वो है उस एज में वो अपने बाकी के जो उनके उनसे काफी कम उम्र के लोग हैं, लाइक वीना या हम कह सकते हैं हीना, वो तो काफी यू नो एनर्जेटिक हैं और वीना तो बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल भी है, लेकिन वो सुपारी सेंटर में अब तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन किशोरी जी आ चुकी सुपारी सेंटर में और उन्होंने मॉर्निंग में गुप्त वाले सॉन्ग पर डांस भी काफी अच्छा किया था। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब यू नो उम्र दराज हैं किशोरी जी, लेकिन इस टास्क में वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि इतने तमाम लोगों के बीच में भाग करके आना, बजर बजते सी सुपारी सेंटर के अंदर आना, आने की कोशिश करना काबिले तारीफ है। तो किशोरी जी ने यहाँ काफी इंप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ बाकी लोगों से पहले भाग कर आने में, उनकी एनर्जी उनका एंथुजियाज्म इस टास्क में देखने लायक है। बाकी तो केलकर साहब अंदर एक मास्टर माइंड के रूप में बिग बॉस उन्हें प्रेजेंट कर रहा है, और कहीं ना कहीं केलकर उसी अंदाज में चल रहा है, केलकर को ही बिग बॉस अल्टीमेटली दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन केलकर को चुनना पड़ता है, जो कि वो केलकर चुन रहा है। केलकर ने यहाँ शिव को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की कि भाई अगर तू ऐसे ही वीना के चक्कर में रहा तो क्या ट्रॉफी भी दे देगा और ठाकर छोरे उसको, तू तो अच्छे से कर सकता है टास्क, लेकिन शिव तो प्यार में अंधा हो चुका है, वो वीना के अलावा कुछ और नहीं देख रहा है, और वीना के हाथ में हमने कुछ पट्टी वगैरह बंदी देखी, क्यों प्यार में हाथ वाथ काट लिया क्या, अब क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता, ये सब सीन हमें दिखाए नहीं गए। इस एपिसोड में यही सब हुआ है, इस टास्क के दौरान काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें बस 5-10 मिनट या 15 मिनट हम कह सकते हैं देखने को मिली, अदरवाइज वीना और शिव की बातचीत देख लीजिए, या हीना और मैडी के आर्ग्यूमेंट देख लीजिए, या शिवानी का जो पाउच ढूंढने की कोशिश, उसके यू नो कहीं ना कहीं हीना को रुलाने की कोशिश, तो ये सब चीजों में एपिसोड पूरा खत्म हो गया। घर की तथाकथित स्ट्रॉन्ग कप्तान रूपाली, आई थिंक ये दूसरा एपिसोड था बैक टू बैक जहां रूपाली एक ऑडियंस मोड से ज्यादा हमें बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। महेश मांजरेकर साहब शायद पूछ भी सकते हैं कि इस टास्क में रूपाली का कंट्रीब्यूशन या रूपाली की उपस्थिति इतनी नगण्य, यानी कि निल बटे सन्नाटा क्यों है, क्यों वो बहुत कम दिखाई दे रही है, एकदम ऑडियंस मोड में वो क्यों चली गई है। ऐसा तो नहीं कि खैरात में कप्तानी मिल गई है तो बस
ये सोच के चल रहे कि भाई कप्तानी ना मिलेगी दोबारा, तो कप्तानी के जितने ऐशो आराम है, लाइक वो एक कौन सा वो एक कमरा वगैरह मिलता है, शायद उसमें आराम फरमा रही हो मैडम या क्या कर रही हो, विच वी डोंट नो। अब कल नेहा भी बनेगी किलर और शिवानी तो कह रहा ही सही, ये टास्क लास्ट सीजन में मेगा धाड़िया ने कितनी ब्रिलियंट तरीके से, कितनी बढ़िया तरीके से मेगा धाड़िया ने ये टास्क परफॉर्म की थी। आई थिंक मेगा धाड़िया ने जिस बढ़िया तरीके से इस टास्क को अंजाम दिया था, इस सीजन के घर वाले आई थिंक उसका 0.01% भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही मोनोटोनस और बहुत ही बोरिंग टाइप का ये टास्क जा रहा है, जबकि ये टास्क बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता था। शिव से मुझे बहुत उम्मीदें थी, आई हैव टू से मैं उम्मीद करके चल रहा था कि शिव इस टास्क में एकदम यू नो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा, बट वो तो आउट और स्टैंड मतलब शो मतलब इस टास्क से बाहर जाकर खड़ा हो गया है। क्यों? प्यार के चक्कर में इमोशनल फूल बन गया शिव और कहीं ना कहीं शिवानी बन गई बहुत ज्यादा कूल। इस नोट पर ये वीडियो मैं करता हूँ खत्म। आपके क्या है ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।